एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। आप सभी का राधे कृष्णा क्लासेस में शुरुआत है। आज हम डीयू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए, झांसी के लिए, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर, जिसमें आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। आइए तो चलते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट्स पर ही हम चर्चा करेंगे, तो चलते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बसा व तेल के लिए सत्य है। तो इसमें आपको चार ऑब्जेक्टिव विकल्प दिए हुए हैं ऑप्शंस में, तो इन ऑप्शंस पर चलते हैं। पहला ऑप्शन है आपके लिए, ये उच्च बसीय अम्लों के साथ ग्लिसरॉल के एस्टर हैं, ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं, ये एक प्रकार के लिपिड हैं। तो आपका सही आंसर है, ये जल में विलेय होते हैं, ये जल में जो है विलेय होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल क्या है। इसमें चार ऑब्जेक्टिव के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला है, पादपों से प्राप्त बसीय सुगंधित तेल, असंतृप्त बसीय अम्ल, संतृप्त बसीय अम्लों के ग्लिसराइड, और चौथा विकल्प है, असंतृप्त बसीय अम्लों के ग्लिसराइड। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के सी व एच का, कार्बोहाइड्रेट में जो सी व एच होता है उसका अनुपात क्या होता है। ऑब्जेक्टिव के चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला है 1:2, 2:2, दूसरा है 2:1, तीसरा है 3:2, और चौथा है 4:2। तो इसमें चार विकल्प आपके पास दिए हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। अगला है, रेफिनोज का सूत्र होता है। तो रेफिनोज का सूत्र क्या होता है, ये इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है C6H12O6, दूसरा है C18H32O16, तीसरा है C6H10O5, और चौथा है ये सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका C18H32O16, ये आपके हो जाएंगे चौथे विकल्प का आंसर। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट में किसके हाइड्रेट ज्ञात नहीं है। निम्नलिखित में से किसके कार्बोहाइड्रेट ज्ञात नहीं है, ये हमको बताना है। तो पहला है, आपको सही दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, कार्बोहाइड्रेट में किसके कार्बोहाइड्रेट जो है ज्ञात नहीं है। तो हाँ, देखिए अब सही दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट में किसकी कार्बोहाइड्रेट ज्ञात नहीं है। तो पहला है, ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, और चौथा है ये सभी। तो कार्बोहाइड्रेट में किसकी कार्बोहाइड्रेट ज्ञात नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन की कार्बोहाइड्रेट ज्ञात नहीं है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र होता है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है C6H2O2, दूसरा है C2H2O2, CZ, तीसरा है CZH2O2, चौथा है ये सभी। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है CXH2O2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है सेवेंथ क्वेश्चन, मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है एराबिनोज, तीसरा है फ्रक्टोज, चौथा है ये सभी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है डाई व ट्राईसैकेराइड के उदाहरण है। तो एग्जाम्पल ये आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है सुक्रोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा रेफिनोज, चौथा ये सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका ये सभी।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह आपके लिए दिया हुआ है, 9th नंबर क्वेश्चन है, कीटो हेक्सोस किस समूह को प्रदर्शित करता है। तो आंसर में आपको चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है आपका एल्डिहाइड को, दूसरा है कीटोन को, तीसरा है दोनों को, चौथा है किसी को नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कीटोन को। कीटोन को ये कीटो हेक्सोस किस समूह को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका हो जाएगा कीटोन। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों तक इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।